Hey guys, good morning. Welcome with the new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे. मैं बहुत बढ़िया हूँ. तो अभी जस्ट गुड़िया को खिला रहा था और भाभी जो है एक्चुअली काम कर रही है वॉशरूम में और मम्मी जो है बाहर कर रही है कुछ पता नहीं कुछ काम कर रही है. तो गुड़िया जो है काफ़ी मज़े कर रही है अभी. ओ चोन लग गई गुड़िया को. चलो अंदर चलते हैं नहीं तो फिर धूप में जाते हैं तो इसकी आँखों पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से परेशान हो जाती है ना. परेशान हो जाती है गुड़िया, परेशान हो जाती है. परेशान ना हुआ कर, परेशान मत हुआ कर. एक बहुत बात करती है, देखती रहती है बात करते हैं. इससे बतूनी हो गई बहुत ज़्यादा. मम्मी वगैरह जब भी इसे खिलाती है तो इससे बात करती रहती है. भाभी बात करती रहती है तो इसे बात करने का पड़ी है. इसे बात ना करो ना फिर ही रोने लगती है. तो जस्ट अभी फिलहाल तो मैं अपनी एडिटिंग कर रहा था कंप्लीट, क्योंकि रात कंप्लीट नहीं हो पाई थी. कल पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था. कल का ब्लॉग भी काफ़ी छोटा था तो जो है, और फिर मैं काफ़ी लेट तक काम करता रहा था तो ज़्यादा एडिटिंग का टाइम नहीं मिला. तो अभी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ऑफिस भी स्टार्ट हो गया है. तो बस अभी भाभी का काम खत्म होगा तो फिर मैं नहाऊंगा और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा. और भूख तो वैसे काफ़ी लग रही है, मैं सोच रहा था पहले ही कर लेता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ नहाने के बाद ही करूँगा क्योंकि 5 मिनट का तो काम ही है. हुआ नहीं क्या काम अभी तक? इतनी धूल मिट्टी कहाँ से जाती है डेली? मेरा हाथ दुखने लगा. ले गुड़िया को ले ले पकड़, चल ले खिला इसे, खिला. क्या क्या ये इतना सारा सामान किसके लिए लाया तू? खुद खाएगा बैठ के. ले गुड़िया को खिला. है क्या? गुड़िया को ले ले तू. हाँ और क्या, देख तुझे बुला रही थी. देखिए तुझे देख रही है. अच्छा पैसे दे रही है. पीसा सूरत तेरा पीसा गिर गया. पीसा ले पकड़ खिला इसे. ले लेता नहीं तू, अपनी बहन को ही लेता. नहीं है पागल. चलो 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 अम्मा के पास जाओ अपनी. बाय बाय गुड़िया. ये पर्दे भी उतरने हैं भाई. अभी तो सफाई का टाइम आ गया. निकल निकल जा, शायद फंस रहा है इधर से. तो इधर से देखता हूँ निकलेगा क्या. हाँ निकल गया. आ जा आ जा आ जा आ जाओ. आ गया नीचे. एक पर्दा देखो वहीं टंग रहा है, वो शायद गिर के ऊपर ही टंग गया. यहाँ के उतर गए, यहाँ के भी उतर गए, अब यहाँ के और रह गए. बस यहाँ के उतार रहा हूँ अभी. अबे रखा जा भाई, बस हो गया काम. इधर से और बस सेटिंग बैठ जाए. बैठ जा बैठ जा बैठ जा. हो गया फाइनली काम, हो गया खत्म. निकल गए सारे पर्दे. और भी निकाल लेंगे कोई सा? नहीं. चलो सारे पर्दे उतर गए इस रूम के. तो अभी फिलहाल नहा के तो अच्छे से रेडी हो गया था और मैं सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अभी याद आया एक मीटिंग है मेरी 11 बजे और अभी टाइम हो चुका है 10:50. 10 मिनट रह गए हैं तो ब्रेकफास्ट तो मैं मीटिंग करने के बाद करूँगा. और इसके अलावा जो है थोड़ी बहुत दिवाली की तैयारियाँ भी चल रही हैं. घर पे साफ सफाई हो रही है तो थोड़ी देर पहले मैंने सारे पर्दे उतारे थे इस रूम के और बाकी रूम के भी उतरेंगे अभी. तो रूम वाइज कर रहे हैं, एक रूम करने के बाद दूसरा रूम पकड़ रहे हैं. मैंने सोचा था कि नहाने से पहले उतार लेता हूँ, नहीं तो फिर पसीनों में भीग जाऊंगा. तो बहुत गंदे हो रखे थे, काफ़ी टाइम से धुले नहीं थे पर्दे. तो भाभी ने उतरवाए थे सारे इस रूम के पर्दे तो वो मैंने उतार दिए थे. और जो है दिवाली भी आने वाली है, मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता यार कब बीत जाता है. जब लास्ट ईयर की दिवाली थी तो ऐसा लगता है तो कल की तो बात थी भाई. चलो भाई टाइम हो गया मीटिंग का, जल्दी अनलॉक हो जा भाई, कितना टाइम लगाएगा. हो जा हो जा हो जा. फाइनली मीटिंग इज ओवर नाउ. अभी करते हैं ब्रेकफास्ट. भाई बहुत तेज भूख लग रही है. 11:30 हो गए, आधे घंटे को हुई थी. मम्मी ओए अच्छा तेरी तो पिटेगा. ब्रेकफास्ट करते हैं अभी. और से देखो सूर्या को पढ़ाई चल रही है इसकी. क्या पढ़ रहा तू? 1 2 3 4 ओए 10 बोल 10. ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बता दे. 10 लिखा. ये तो बस खड़ी चौक चला रहा है, ना करना है कुछ भी, ना कुछ बताने का ना कुछ करने का. ओए गोलगप्पों के शौकीन, तुझे तो गोलगप्पे एकदम चाहिए आती है बे. ये तो सूखे सूखे खा रहा है बे. पानी डाल रहा है इसमें, पानी पानी भी डाल दे. देख कह रहा है डालने को. अरे ये वाला पानी दे दे. कौन सा देख इसे दे. अबे ये वाला पानी ना डाल ला, वाला पानी डाल ला. डलवा ले, ऐसे ही खाएगा. सूखे ही पसंद है तुझे. निकाल ले, मैं भी खाऊंगा. ये देख सूर्य, खट्टे वाला पानी है ये वाला. हा? खट्टा पानी. हा? हा? खट्टा अब देख. मीठा पानी भी आ गया. अरे ये चूहियां कहाँ से जा रही? अभी ऊपर से आई पता नहीं, मतलब घर के अंदर से कहीं से गई और ऊपर से निकल के अभी यहाँ से निकल के गई. भाई साहब अभी क्या हो रहा है, कितने एक्सपर्ट हो गई चूहियां भी.
कहाँ गई? देखो येरी 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 येरी, वो गई कूद के। ओ भाई साहब, अभी खाता हूँ मजे से गोलगप्पे। काफ़ी देर से वेट कर रहा था, थोड़ा सा ऑफिस वर्क आ गया था बीच में, कि वो हो जाए फिर आराम से खाऊंगा। तो भाई रेडी रखे हैं तो पहले से ही। अभी थोड़ी देर पहले सोरिया खा रहा था तो ये खुले हुए रखे हैं, तो मैं भी खा लेता हूँ साथ के साथ। यार फोड़ तो लिया, आलू डाल देते हैं। आलू डाल के इसलिए मजा आते हैं भाई, आलू भी बहुत सारे दे रखे हैं। और ये रहा अपना मीठा वाला पहन लेते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। एक नंबर भाई साहब, सुबह सुबह गोलगप्पे खाने का मजे अलग है। तू कहाँ जाने की तैयारी करने लगा? खाने के जा रहा है इतने बड़े बैग को है बे बैंड्रूस, तेरा बैग तो खुल गया, खाली है। और ये तो जा, तू तो खराब कर देगा इस बैग को। और ये देखो सारी की सारी ये जो फुलझड़ी यहाँ फेंक रखी है इसने, इतनी महंगी महंगी फुलझड़ी आती है और ये ऐसे ही फेंक देता है। फिर उठा के रखी नजर, अपने सूटकेस में रख ले, सूटकेस में भर ले, रख ले अंदर, रख ले सारा सामान अपना, बस बंद कर ले बैग को। और भी सामान रखेगा, वाह जूते वगैरह ही भर लिए। चलो भाई अभी थोड़ा काम ही कर लेते हैं, काफ़ी देर से मस्ती कर रहा हूँ। और इधर देखो बंदरों को रेडा चला रहे हैं, ये रेडे पे बैठ के मज़े ले रहा है पूरे। अबे चला भी ले इसे, फ़ायदा क्या तेरे बैठने का। सही है भाई, इनका भी अलग ही मज़े लेते हैं। और इन्हें देखो भाई, यहाँ पे इनका जूप होने का काम चल रहा है। ये तो सो गया बंदर बैठा बैठा ही, मिला कुछ? कोई जूप मिल रही नहीं मिल रही? ये तो खा गई, जूं ही खा गई, बहुत बढ़िया बेटा। आजकल तो जो है नॉर्मली बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, मतलब अभी शुभम पी रहा था, ये शुभम ने खुलवाया होगा और उससे पूरा पिया ही नहीं गया, तो अब मतलब आधा बचा हुआ है अभी भी, मतलब मुश्किल ऐसा लग रहा है मुझे तो लगभग एक लीटर ना रहा हो इनमें पानी, तो अब आधा मैं पी रहा हूँ। और मुझे भी काफ़ी मैंने पी लिया इसमें से, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो गया तेरा, अभी भी आधा भरा हुआ है, बहुत पानी है सही में भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही पानी आ रहा है आजकल। ऑफिस का वर्क करते करते अगर नारियल पानी मिल जाए तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, सच में इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ ना, अब जाके खत्म हो गया है। लेकिन सच में भाई साहब मजा ही आ गया पूरा। चलो अभी एक बार भाभी को मार्केट लेके जाना है। कहाँ है भाभी, चलना क्या मार्केट? चलो कुछ चेंज करवाना था क्या? हाँ। सोरे की ड्रेस? हाँ। छोटे रह गए थे क्या? वो अभी जस्ट मार्केट में आए थे भाभी और मैं, वो सोरे के कपड़े लेके गई होगी भाभी एक दो दिन पहले, लेकिन वो छोटे रह गए तो बस चेंज कराने के लिए आए हैं मार्केट में। क्या लेना था? अच्छा तो अभी तो फिलहाल हम वापस घर पे जा रहे हैं, क्योंकि सोरे का जो साइज चाहिए था वो शॉप पे अवेलेबल नहीं था। भैया बोल रहे थे कि गोडाउन से मंगवाना पड़ेगा और 20-25 मिनट लग जाएगी, और फिर हमने सोचा कि चलो घर पे चलते हैं। तो अभी जस्ट हम यहाँ पे रुके थे, भाभी को थोड़े बहुत टॉवल वगैरह लेने थे, तो भाभी बस टॉवल ही खरीद रही है, कलर्स वगैरह देख रही है, और फिर निकलते हैं यहाँ से। देख लो ठीक से हो तो ले लो घर के हिसाब से, ठीक है ये कलर, ये भी तौल में आते हैं क्या? चलो चलो भाई फाइनली घर तो पहुंच गए हैं। और ये बंदर भाई ये नहीं सुधरेंगे, देखो इनकी मस्ती जो है कभी ख़त्म नहीं होती भाई। मुझे तो लग रहा है कि बंदरों से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वरना कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देता नीचे कमेंट सेक्शन में, किसी ने बताया ही नहीं कुछ, तो मैं वेट कर रहा था कोई बताएगा, कोई सोल्यूशन देगा कोई अच्छे से। वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था अखबार में कि एक फार्मर ने क्या किया था कि लंगूर बंदर का प्रिंट निकलवाया, एक लंगूर के साइज़ का जो असली होता है, और एक गत्ता काटा उसी शेप में जो प्रिंट था, और उसे टंडी से चिपका के और दीवार पे लगा के छोड़ दिया कई कोने पे, तो सारे बंदर जो हैं उसे असली बंदर सोच के भाग गए। तो मतलब उसने कई दिन तक ऐसे ही रखा, तो आसपास उसके घर पे कोई आता नहीं था, तो मैं सोच रहा हूँ वही सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके देखूँगा जब भी टाइम मिलेगा। अभी तो कुछ दिनों से बंदर शांत है काफ़ी, तो देखते हैं अगर मौका लगा तो मैं भी सेम अप्लाई करूँगा। तो गाइस जस्ट अभी जिम से आया था और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 7:15, और ये आते ही जो है इसकी बम स्टार्ट हो गई। बंदर क्या खा रहा तू? अकेला अकेला कौन चोको फ्लेक्स है, कौन फ्लेक्स नहीं है, बेचा दो इसे मत, तो खुद ही खा के बताओ। ये रखे सारे पर्दे धुल के रेडी हो गए, कहाँ रखने पर्दे? चलो स्टोर खोलो जल्दी जल्दी, खोल दे सामान रखना है यार, बहुत बारी है तो। चलो अरे गिर गए, चलो हो गया काम, चल मुझे बंद कर रहा, मुझे बंद करेगा अंदर, अरे
मैथ को देखो, सूर्य कैसा लग रहा है रेड लाइट में? नहीं नहीं रहने दो, डर जाओ मैं कभी इसका। ओए मैक से दूर रखियो, मैक पकड़ मत लियो, पता चला मुंह में पकड़ ली। बस हो गई खत्म, थोड़ी सी रह रही अब तो, काफी देर तक चली है तो। मैक दूर रह, बाल जल जाएंगे तेरे। होगी खत्म, होगी चल अब मत वो क्या। हाँ तो दिखेगा ही नहीं, वो तो इतनी तेज लाइट है इसकी। बस वहाँ ठीक है, पेड़ के नीचे, वहाँ कोई नहीं जाने का। चलो मैक अंदर। सो गाइस मैंने अभी अपने अच्छे से हैंड वॉश कर लिए हैं क्योंकि डिनर लग चुका है मेरा, तो अभी बहुत भूख लग रही है तो डिनर करते हैं। और आज डिनर में है मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ जो मैं विंटर्स में खाना बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर ठंड में ही बनती है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो ये देखो आज है भाई साग, सरसों का साग, क्या ज़बरदस्त हो रखा है, मुझे बहुत पसंद है सच में। और इसमें जो अदरक रहता है ना भाई, वाह क्या बताऊँ उसका तो। और साथ में आलू का पराठा भी है एक। आज शाम के टाइम जो है मम्मी ने आलू के पराठे ही बनाए थे, तो मेरा ज़्यादा मन नहीं था आलू के पराठे खाने का, तो मैंने जो है अपने लिए साग मंगवाया है, तो रोटियों से खाएंगे। कई बार तो मैं मक्का की रोटी से खाता हूँ, जो वो होती है ना मोटे वाली येल्लो सी, भाई क्या टेस्ट आता है उसका, अलग ही मतलब मज़ा आ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे और उन्हें भी बहुत अच्छी लगती होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना नीचे किन किन लोगों को जो है मक्का की रोटी और साग बहुत पसंद है, और गुड़ और मट्ठा हो साथ में तो भाई साहब क्या कहने, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है सच में। अभी लगाई जा रही है कल के लिए मेहंदी, होई के लिए दोनों हाथ पे लग गए, नाम भी लिख रखे है तो अच्छा, हमारे नाम लिख रखे क्या, शुभम सागर और इधर सौरभ और योरा मैक। सही है, सारे बालकों के नाम हाथों पे लिख दिए, बहुत बढ़िया। मैक देख मम्मी ने तेरा नाम भी लिखवाया हाथ पे, तू भी आ गया क्या मतलब, देख मेरे हाथ पे लग गई, देख मम्मी की मेहंदी, हाथ उधर को कर ले, मेरे हाथ पे लग रहा। मैक आ गया बेचारा, आजा 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 मैक, बहुत दिनों में आया तू ऐसे, तो तू तो प्यार करना भूल गया यार, छोटा सा था तभी बढ़िया था, इतने लाड से प्यार कर रहा था मैक। क्या कर तो रहा तेरा लाड, और कैसे करूं अब तो, तू नहाने से और बचेगा, ठंडी स्टार्ट होगी मैक है बे। चल से कल नहाऊंगा मैं, नहाएगा चल, नहीं है चल, चल अभी चल, अभी नहाएगा चल, चल नहीं है चल, ठीक है नहीं लड़ा। ये क्या हो रहा, रुक रुक तेरा मत, क्या हो रहा यहाँ पे, अच्छा मेहंदी लग गई, जा सके अभी क्या, चलो बच गई जान, नहीं तो खाई जाता है तो। लगी नहीं क्या अभी तक मेहंदी, देर होगी, सूर्य का नाम भी लिख दिया क्या, सूर्य एंड प्रीसा, चलो बढ़िया लग रहा, सही है। तो अभी अगले दिन सुबह उठ के एडिटिंग कंप्लीट की है और अभी टाइम हो चुका है 10:26, अभी फाइनली कंप्लीट हो गई, लास्ट पार्ट शूट कर रहा हूँ जस्ट। सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, एंड आई होप कि आप लोग का व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोग का आज का व्लॉग। तो आप लोग जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।